जब देश आजाद हुआ तो दो जातियां इस देश में सबसे ज्यादा गूंज रही थी, एक महात्मा गांधी की जाति और एक गोडसे की जाति। जब उनकी हत्या हुई तो गांधी नेहरू परिवार ने गांधी जी को अपने पास ले लिया। एक हमने तो किताबों में पढ़ा है कि जब देश आजाद हुआ तो दो ही जातियां थी देश में, एक अमीर और एक गरीब। सरनेम बीजेपी ने अडॉप्ट करना। खुला डिबेट में आपका स्वागत है। संसद भवन में 2024-25 का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में हर दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिल रहा है। आए दिन किसी न किसी नेता की आपस में टकराव हो रही है और इस पर खूब डिबेट और न्यूज बन रहा। लोकसभा में अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी के बीच मंगलवार को दिलचस्प बहस हुआ। यही नहीं, जातिगत जनगणना के मसले पर बहस तो निजी टिप्पणियों तक पहुंच गई और हंगामा बरपने लगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज जातिगत जनगणना का भूत कुछ लोगों पर सवार है। उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बिना किसी का नाम लिए कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं है बगन्ना की बात करता है। अनुराग ठाकुर की इस टिप्पणी पर राहुल गांधी तमतमा गए। उन्होंने कहा, जितना आप लोग मेरा अपमान करना चाहते हैं करिए, मैं सह लूंगा, लेकिन जातिगत जनगणना हम करा कर रहेंगे। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि महाभारत की बात हुई तो अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, इसी तरह मुझे भी जातिगत जनगणना ही दिख रहा है जो हम करा के मानेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है मगर मैं उनसे माफी नहीं चाहता हूं, मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूं, जितना चाहे गाली दे। यही नहीं, इस मामले में अखिलेश यादव भी डिबेट में दखल दे दिया और पूरे गुस्से में अनुराग ठाकुर के बयान पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आप किसी की जाति नहीं पूछ सकते। भाई अनुराग ठाकुर ने दोहराया कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, फिर कोई क्यों खड़ा हो रहा है, मेरी बात का रिकॉर्ड चेक किया जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर सपा प्रवक्ता मनोज यादव ने बीजेपी प्रवक्ता सहित एंकर की वखिया उधेर कर रख दी। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। जाति जाति हर जगह जाति जाति सब लोग करते रहते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आप लोग हो, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो या कोई भी हो। भैया तो पूछ ही लिया कि जाति क्या है तो इसको लेकर इतना ज्यादा हंगामा क्यों? जब जाति गणना आप करवाएंगे तो अधिकारी या कर्मचारी जब हमारे दरवाजे जाएंगे आम लोगों के तो वो पूछेंगे, बताइए आपकी जाति क्या है। तो जब आम जनता इस सवाल का जवाब देगी तो फिर नेता जो आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे ये सवाल पूछ लिया तो फिर इतनी ज्यादा तिलमिलाहट किस बात की है? मनोज यादव जी आइए देखते जाएगा। बिल्कुल चित्रा जी, बड़ा वाजिब सा सवाल पूछा है आपने और मैं तो शर्मा जी की मतलब एग्रेसनेस से बड़ा परेशान हूँ। मतलब किस बात के लिए इतना एग्रेसिव हो रहा है? मोदी जी ने अगर ट्वीट कर दिया है अनुराग ठाकुर के उस बयान को तो आप बहुत एग्रेसिव हो गए। आपको लगता है आप बिल्कुल संवैधानिक ढांचे पे आ गए। माफ़ करिएगा, ये शायद ये व्यवहार ठीक नहीं है, दुनिया देख रही है। जाति ना पूछो नेता की, पूछ लीजिए सवाल पूछिए ना, हम तो आपसे सवाल ही पूछ रहे हैं ना। और जब सवाल आपसे पूछ रहे हैं तो आपको जवाब देने में क्या हर्ज है भाई? क्या पूछ रहे हैं आपसे? जाति जनगणना कब कराएंगे? जनगणना कब कराएंगे? डबल इंजन की सरकार, विश्वगुरु वाली सरकार, सब कुछ तो है आपके पास, फिर क्यों नहीं? और फिर अगर हम जाति गणना की बात कर रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों? के शर्मा जी, आपको घोड़ी चढ़ने से रोका कभी किसी ने? आपके परिवार को रोका गया? बीजेपी के तमाम सारे नेताओं के परिवार को रोका गया? चित्रा जी, इनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं पूछ मोच रखने पे, ऐठ वाली मोच रखने पे। मनोज यादव जी, मैं पूछ रहा हूं, मैं इसीलिए क्यों, जाति क्यों महत्वपूर्ण? हां, जाति अगर इस तरह की स्थिति कोई पैदा करता है, आप मेरी बात सुनिए मनोज यादव जी, अगर इस तरह की स्थिति किसी दलित दूल्हे को घोड़े से उतारा जाता है यह अपराध है और जो भी इस तरह का कृत्य करता है उसकी जगह जेल के भीतर होनी चाहिए, यह अपराध है। इस तरह की मानसिकता के लोगों को कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। एक सेकंड शर्मा जी, मेरा ये सवाल है, अगर आप जाति पूछेंगे आम जनता की, जाति गणना करवाएंगे तो फिर अपनी जाति बताने पे इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों है? मनोज जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बिल्कुल हाँ हाँ, नहीं आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन के शर्मा जी ने इतनी मतलब एग्रेशन के साथ बात कही तो मैं कम से कम नॉर्मल तरीके से उनको रिप्लाई तो कर ही सकता हूँ, इतना समय तो मिल ही जाए। हाँ चित्रा जी, मैं बिल्कुल कहूंगा, मोच रखने पे किसको मारा गया? बीजेपी को लोग बताएं, आरएसएस हाँ। के लोगों को मोच रखने पे मारा गया, घुमाऊदार हाँ। चंद्रशेखर रावण की तरह या जिस जैसे भी लोग हैं उनकी तरह। हमको एक उदाहरण बता दें तो जाति, अगर जाति गणना कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? इस देश के अंतिम व्यक्ति को कम से कम कोई कुछ कह ना पाए, और सिर्फ जाति गणना नहीं होगी मनोज जी, फिर क्या रुक जाएगा जाति गणना करने पर? ये जो मानसिक बीमारी है, अगर दलित को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, ये तो मानसिक बीमारी है ना, जो लोग नहीं चढ़ने दे रहे हैं, तो क्या जाति गणना करने से हट जाएगी? बिल्कुल हटेगी। इतनी बड़ी बीमारी है तो 1931 के बाद इस देश में जाति गणना क्यों 2011 में होती है? आप लोगों की भी सरकार रही है ना शामिल, मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं आंकड़े जारी किए गए? बिल्कुल, मनोज यादव जी आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने एक सेकंड सर,
हमने सवाल का नाम रखा है। के शर्मा जी को भी मैंने तीन बार क्रॉस क्वेश्चन किया था। आपसे भी सवाल पूछ रही हूं मनोज जी, अगर आप आम जनता की जाति पूछ रहे हैं, नेताओं को अपनी जाति बताने में क्या दिक्कत है? मनोज जी तीसरी बार ये सवाल पूछ रही हूँ मैं। चित्रा जी क्या सदन 2011 में जब जाति गिने थे तो बताए क्यों नहीं आप लोग सरकार में शामिल थे? जवाब देने दीजिए प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज रिप्लाई मी, प्लीज रिप्लाई। मैं आपसे ये पूछ बता रहा हूँ, पूछ भी रहा हूँ दोनों चीजें, कि क्या सदन में भगवान शिव की तस्वीर लहराना मना, सदन में तमाम सारे शब्दों का इस्तेमाल करना मना, तो सदन में किसी की जाति क्यों पूछी जाएगी? क्यों पूछी जाएगी भाई? और अगर हम सवाल पूछ रहे हैं कि अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा, पिछड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिखता है क्या? नरेंद्र मोदी जी को भी तो दिखना चाहिए कि मैं पिछड़ा प्रधानमंत्री और जो बजट बन रहा है, जो हलवा बट रहा है, वो मेरे पिछड़े लोग नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी को दर्द नहीं है, राहुल जी को दर्द है, आदरणीय अखिलेश यादव जी को दर्द है, विपक्ष के नेताओं को दर्द है, तो फिर ये सवाल क्यों? आपको ना हो तो ना हो, क्योंकि आपकी मानसिकता नागपुर की हो सकती है। आप हिंदू बनाना चाहते हो लेकिन सम्मान देना नहीं जानते हो, 5 किलो राशन देना चाहते हो लेकिन उसके बच्चे को बेहतर शिक्षा नहीं देना चाहते हो, तो हम तो सवाल पूछेंगे। हमको जनता ने इसीलिए भेजा। अरे जाति गणना से बेहतर शिक्षा कैसे हो जाएगी? कैसे कैसी बातें करते हैं मनोज यादव जी आप लोग। शिक्षा बेहतर तब होगी जब स्कूलों की स्थिति को आप सुधारेंगे। जहां जहां सरकारी स्कूलों में जिस तरह की चढ़ान है, ठीक है। नहीं नहीं मैं फिर आपसे सवाल पूछूं मनोज जी, 2011 में यूपीए की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जब जातिगत गणना करवाया था करोड़ों रुपए खर्च करके, वो आंकड़े अगले 3 सालों तक जब तक उनकी सरकार थी वो जारी क्यों नहीं किए गए? इस सवाल का आप जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूं शर्मा जी। मुझे पता है बहुत बोलना चाह रहे हैं आप, एवं मनोज जी बताइए इस सवाल का जवाब जल्दी से। आप लोग थे ना सरकार में। चित्रा जी अगर वो जाति गणना आंकड़े सरकार के पास रखे हैं तिजोरी में, तो क्या उसकी चाबी विपक्ष के पास है? मैं पूछ लूंगी ना अभी के शर्मा जी से। वो 3 साल क्यों छिपा के रखा था? तिजोरी को खोल के जाति गणना के 11 के आंकड़े आप रख दो, हम कहें कांग्रेस ने गलती की। लगता है देश का पैसा लगता है और बीजेपी की गलती कर रही है सरकारें। ठीक है मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बीजेपी की गलती कर रही है। बीजेपी क्यों छुपा रहे हैं शर्मा जी? और क्या दिक्कत है जातिगत जनगणना? देश के सामने आंकड़े तो आ जाएंगे ना, क्या दिक्कत क्या है बीजेपी को गणना करवाने में? पहली बात, मेरे एग्रेशन का कारण यह है कि आप सदन में बैठ के एक धर्म विशेष को और 100 करोड़ भारतीयों के, यदि आप इनके ही शब्दों बकौल इनके शब्द कहूं तो गाली दे रहे हैं, तो ये मेरा एग्रेशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं एक हिंदू भी हूँ स्वाभाविक रूप से। जिसको इन्होंने गाली कही है, जाति पूछना दी गाली है, धर्म पूछना गाली है, तो हमको सर्टिफिकेट कैसे दे रहे हैं? तो ये गाली ही दे रहे हैं ना आप हमको, इसलिए मेरा एग्रेशन है। खैर दूसरी बात, कल जो अखिलेश यादव वहां पर बड़े चिल्ला के पूछ रहे थे कि जाति मत पूछो, जाति कैसे पूछ लिया, तो आप पत्रकारों की जाति जब पूछते हैं तब ये दोहरा चरित्र कहां से आता है आपका? पत्रकार आपसे सवाल पूछ ले तो आप उससे, अखिलेश यादव पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, तब ये प्रश्न नहीं आते? मुंह में दही जम गई थी जब वो हलवा बांटने वालों की जाति पूछ रहे थे, तब अखिलेश यादव की मुंह में दही जमी हुई थी, तब उनको जाति समझ नहीं आ रही थी। से रोका गया। तीसरी बात, अब बीच में मत बोलिए, अब मैं पूरी बात कर लेता हूं। 2011 में जब जनगणना हुई उसके बाद 3.5 वर्ष तक आप उस सरकार के साथ रहे कांग्रेस के, आपकी बोलती बंद रही, आपने एक शब्द नहीं बोला, ना आपने जातिगत जनगणना की आंकड़े बाहर करने की बात की। और दूसरी बात, आप जातिगत, आप ओबीसी के जो लंबरदार बन रहे हैं, आप जो है जब सरकार में थे 2012 में आपने अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा ओबीसी के लिए? आपने प्रमोशन में आरक्षण की बात की एससी एसटी की, आपने उसको समाप्त किया एससी एसटी के आरक्षण को, और 15% आरक्षण मुसलमानों को देने का वादा किया धर्म के आधार पर, जो कि संवैधानिक रूप से गलत है। 15% आरक्षण आप मुसलमानों को। मनोज यादव जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से आपका। अब जाति पर ही चलेगी राजनीति इस देश की, और जब पलट के पूछा जाएगा अपनी बताइए तो फिर नहीं बताएंगे। हाँ बड़े सवाल उठा दिए गए, मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए जब देश आजाद हुआ तो 2 जातियां इस देश में सबसे ज्यादा गूंज रही थी, एक महात्मा गांधी की जाति और एक गोडसे की जाति, जब उनकी हत्या हुई तो गांधी नेहरू परिवार ने गांधी जी को अपने पास ले लिया। एक मिनट, हमने तो किताबों में पढ़ा है कि जब देश आजाद हुआ तो दो ही जातियां थी देश में, एक अमीर और एक गरीब। से का सरनेम बीजेपी ने अडॉप्ट करना था, नहीं अडॉप्ट किया। और जो राजभर साथी कह रहे हैं, इतनी देर का ज्ञान बताने के बाद एक बार भी जाति जनगणना की बात नहीं कर। अरे भैया हम इसीलिए मांग कर रहे हैं कि तुम्हारे राजभर सब गायब हो जा रहे हैं,
हमने तो प्रतिनिधि दिया है, हमारे सांसद भी बने, तुम्हारे सांसद भी नहीं बन पाए। अपने घर में पांच लोगों को लड़ा दिया, ज्यादा से ज्यादा लोग पांच लोगों को लड़ा दिया, यादव को खोए हुए हैं, मनोज यादव भूले बिसरे हुए हैं, पिछड़े हैं, पिछाड़े गए हैं, उन लोगों को आगे लाया। अगर आप नहीं चाहते तो ये बात बता दीजिए कि हम नहीं चाहते हैं। मनोज यादव इन लोगों को आगे नहीं लाना। जल्दी से एकदम स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा, 2011 में जब जनगणना हो गई, 2014 तक यूपीए 2 की सरकार में आप लोग भी थे, वो आंकड़ा जारी क्यों नहीं किया? समाजवादियों की मांग पे ही जाति जनगणना हुई थी, जिसने नहीं जारी किया आज सवाल तब भी मांग ही कर रहे थे। साथियों आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने पीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है। उधर बीजेपी सवाल उठा रही है कि जब राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सब जगह लोगों की जातियां पूछते हैं, सामाजिक न्याय के नाम पर देश की जनता की जातियां गिनना चाहते हैं, तो अपनी जाति बताने पर इतना आपत्ति क्यों? कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से जाति पूछ ली। बीजेपी कह रही है कि अव्वल तो जाति पूछी नहीं और पूछ भी लिया तो बताते क्यों नहीं। तो ऐसे ही घमासान जुबानी सियासत जात पर चल रही है, लेकिन इस लड़ाई में जातीय गणना का मुद्दा पीछे छूटता हुआ नहीं दिख रहा, जिसमें विपक्ष का सवाल है कि आखिर पिछले 13 साल से देश में कोई जनगणना क्यों नहीं हुई? बिना आंकड़ों के सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाएं कैसे बनाई और चलाई जा सकती है? और सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष जाति की गिनती का मुद्दा सिर्फ आरक्षण की राजनीति चमकाने और सत्ता पाने के लिए कर रहा है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।